हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम करेंगे RBSC की चौथे क्लास की हिंदी की किताब का छठा चैप्टर, हमें जलाशय लगते प्यारे। तो ये जो जलाशय होते हैं, पानी से भरे हुए तालाब हैं, पोखर, झीलें वगैरह, ये सब चीज़ें क्या हैं, हमको बहुत अच्छी लगती हैं। ये एक कविता है, आइए देखते हैं इस कविता में क्या बताया गया है। हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवारे। तो ये जो जलाशय होते हैं, हम सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। और ये जो जलाशय होते हैं, ये सारे जो जलाशय हैं, वो हमारे जीवन के रखवाले हैं, हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। बादल अमृत जल भर लाते, पोखर झीलें या हो ताल, जहाँ लबालब ये मिलते हैं, वहाँ न होता कभी अकाल। तो बादल क्या करते हैं, अमृत जल भर के लाते हैं। तो जो बादल होते हैं, अपने अंदर जल लेकर आते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। तो पोखर झीलें या हो ताल, जहाँ लबालब ये मिलते, वहाँ न होता कभी अकाल। तो जहाँ पर ये जो पोखर हैं, झीलें हैं, या ताल तलैया जो होती हैं, वो लबालब भरे होती हैं, वहाँ पर कभी भी अकाल नहीं होता, मतलब वहाँ कभी सूखा नहीं पड़ता है। तो जो ये बादल होते हैं, वो अमृतमयी जल लेकर आते हैं, पोखर झीलें या तालाब कुछ भी हो, जहाँ लबालब भरे होते हैं, जहाँ मिलते हैं ये तालाब पोखर वगैरह पानी से भरे हुए, वहाँ पर कभी भी अकाल नहीं होता, सूखा नहीं पड़ता। तो ये क्या है, जो जलाशय हैं, सुकाल के सेतु, अच्छे समय के सेतु हैं, पुल हैं। तो सबके हैं बारे न्यारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। तो जो ये जलाशय होते हैं, अगर भरे हुए हैं, तो क्या होता है, सबके बारे न्यारे हो जाते हैं, मतलब ये तो तालाब हैं, पोखर वगैरह हैं, सभी को जीवन में बहुत अधिक प्रसन्नता देते हैं, सभी का जीवन खुशहाल बनाते हैं। तो ये जो जलाशय हैं, वो हर किसी को बहुत अच्छे लगते हैं, हमें जलाशय बहुत प्यारे लगते हैं। तो फिर आगे क्या कहा गया, कोई जल की पूजा करते, करने आते बजू नमाजी। तो इसकी तरह तरह से लोग पूजा करते हैं, जो ये जल होता है, इसकी तरह से लोग पूजा करते हैं। जैसे कि जो नमाजी होते हैं, नमाज पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो आते हैं यहाँ पर, अपने हाथ पैर वगैरह धोते हैं नमाज पढ़ने से पहले। कोई संध्या तर्पण व्रत कर तैराते हैं दीप चहाजी। तो कोई क्या करता है, व्रत रखता है, और जो हमारे पूर्वज हैं, देवी देवता हैं, उनको जल दान करता है, और फिर इसमें दीप तैराता है। तो ये जो लोग होते हैं, अपनी धर्म के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार इस जल की पूजा करते हैं। तो ये जो जलाशय होते हैं, धर्म आस्था को ये धारे। तो ये जो जलाशय हैं, वो धर्म और आस्था के प्रतीक हैं, धर्म आस्था को धारण करते हैं। जीवन हस्ता द्वारे द्वारे, तो इन जलाशयों से क्या होता है, सभी का जीवन खुशहाल बन जाता है, सभी का द्वार जो है, वो खुशी से नाच उठता है, मतलब सभी को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है जब ये जलाशय भरे होते हैं। तो धर्म आस्था को ये धारे, जीवन हस्ता द्वारे द्वारे। तो ये जो तालाब हैं, या पोखर हैं, या झीलें वगैरह हैं, ये क्या सब हैं, धर्म और आस्था के प्रतीक हैं। ये जलाशय जो होते हैं, धर्म आस्था के प्रतीक होते हैं, उनको धारण किए हुए हैं धर्म आस्था को, और जीवन जो है, इससे खुशहाल बनता है। तो ये जो जलाशय हैं, वो हम सबको बहुत अधिक अच्छे लगते हैं। औरों के हित संचित करते, कभी ना पीते अपना पानी। तो जो ये जलाशय हैं, वो और लोगों का हित देखते हैं, तो ये जो जलाशय हैं, वो अपना पानी कभी भी नहीं पीते, बल्कि दूसरों का ही हित संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कूप बावड़े कोई कुंडिये, इस धरती के अनुपम दानी। तो ये सारे जो जलाशय हैं, कूप मतलब कुएँ हैं, बावड़े है, कोई कुंड है, ये सब क्या है, धरती के, इस पृथ्वी के बहुत ही अनोखे दानवीर हैं, दानी हैं। खुशहाली के ये हर कार्य, तो ये क्या है, खुशहाली के हर कार्य हैं। हर कार्य मतलब जो किसी का संदेश होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। तो ये जो जलाशय हैं, वो खुशहाली के हर कार्य हैं, मतलब ये जो जलाशय हैं, वो खुशियां बांटते हैं, खुशियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। पक्षी आते पंख पसारे, और जहाँ जलाशय होता है, पानी होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो पक्षी होते हैं, वो भी अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं, पंख फैलाकर आते हैं। तो ये जो जलाशय हैं, वो हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं।
तो यहाँ पर हमारी जो कविता है वो ख़त्म हो गई। और इस कविता में यही बताया गया है कि जो जलाशय होते हैं वो हमारे बहुत काम के होते हैं और हम सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जहाँ इनमें पानी भरा होता है वहाँ कभी भी अकाल नहीं पड़ता। तो जलाशय जो हैं वो हमारे खुशहाली के द्वार हैं, इनसे हमें बहुत अधिक खुशियाँ मिलती हैं। तो बच्चों, आप इस कविता को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।